हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा ये जो 9 इंच की दीवार की जा रही है, ये किस चीज़ की जा रही है। दोस्तों, ये मकान की दीवार नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये टैंक दिखाई दे रहा होगा, मगर ये टैंक भी नहीं है। दोस्तों, ये है धर्म कांटा। ये जो कांटा होता है जिस पे वज़न तोला जाता है, जो बड़ी गाड़ी होती है जिसमें रोड़ी वोड़ी भर के जाती है, वो जो वज़न तोला जाता है उसका ये कांटा बना रहे हैं। दोस्तों, ये उसकी दीवार की जा रही है और इसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, इसकी चिनाई कैसी की जाती है और क्या क्या इसमें फाउंडेशन लगता है और कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी रखनी होती है, सारा कुछ मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो 9 इंच की दीवार की जा रही है, ये उस कांटे की जा रही है, जो धर्म कांटा बनाया जाता है उसकी दीवार की जा रही है। और ये जो गड्ढा है ये करीब 5 फीट गहरा है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊँगा। इसमें जो दीवार करनी होती है, इसमें 9 इंच की दीवार होती है और ये दीवार देख पा रहे हैं, ये 9 इंच की दीवार की जा रही है और बिना फेंट के की जा रही है, क्योंकि इस पर वज़न तो रहता है मगर इस पर इतना लोड नहीं रहता दीवार पे, क्योंकि इस पर जो लोड आएगा इसमें फाउंडेशन बनाया जाता है अलग से, इस पर लोड आता है। ये दीवार इसलिए की जाती है ताकि मिट्टी इसके अंदर ना आए। और इसमें जो मसाला लगाया जाता है वो 5-1 का मसाला लगाया जाता है और दीवार बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होती है इसमें। और जो ये बनाया जाता है इसे बिल्कुल गुनिया में बनाया जाता है, इसमें एक भी फूट का फर्क नहीं होता, बिल्कुल गुनिया में किया जाता है और तभी जाके बनता है। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब ये तैयार हो जाएगी तभी उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगा। और आज हम इसकी ये दीवार कर रहे हैं और दीवार करने के बाद, इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी जो मैंने कल डाली थी, उसमें आपने देखा था, उसमें मैंने फाउंडेशन बनाया इसका, वो किस तरीके से बना रखा है। और जो फाउंडेशन वो बना रखा है दोस्तों, उसी तरह के उसमें 6 फाउंडेशन बनाए जाते हैं और उन पे ही उसका जो लोड सेल होता है वो रखा जाता है और वे पिलर RCC के भरने होते हैं। और दोस्तों, ये पिलर RCC के भरने होते हैं 15 मिनट। दोस्तों, आप वीडियो का लास्ट तक बने रहे और देखिए ये दीवार कैसे की जा रही है। Nice. Yeah.
Yeah,
Hold on.